Assalamu alaikum travelers, this is your host and host Shoaib Syed. Guys, welcome to your channel Travlovers and I hope aap sab log bahut badhiya kar rahe ho. So guys, aaj ka jo video hai wo ek informative video hai aur ek matlab jo mere sath mein jo event hua hai abhi recently, main travel kar raha tha ek jagah par aur wahan par ye cheez mere sath mein hui to maine socha ki kyun na aapko bhi ye information diya jaye because bahut hi vital cheez hai. इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा बिकॉज आपको भी ये ट्रैवल करने में बहुत जो है वो हेल्पफुल हो सकता है गाइस. सो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को जो है शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा गाइस. तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. देखिए क्या होता है कि गाइस जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के समय हमें जो है एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हो सकता है कि अच्छे एक्सपीरियंसेस हो विच इज़ रियली गुड, और अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस भी जो है वो हमारे साथ होते हैं. बट इससे हमें ये सीखना चाहिए पॉजिटिव वे में कि भाई जो भी हमें एक्सपीरियंसेस हुआ है वो हम आगे के जो है हमारे ट्रैवल जर्नी में वो अप्लाई करें या नहीं करें, जिससे हमारा ट्रैवल जो है वो अच्छा बने. सो गाइज़ आज का जो टॉपिक है वो इसी पर बेस्ड है. सो ट्रैवलर्स, हुआ ये है कि 6th of March को मैंने जो है रेड बस द्वारा एक बस बुक की थी, मतलब बस मैं सीट्स बुक करी थी और दो सीट्स मैंने बुक करी थी क्योंकि मुझे मैंगलोर जाना था, गोवा टू मैंगलोर. सो रेड बस, आपको जैसे पता होगा कि रेड बस एक ऐप है, ऑनलाइन ऐप है जिसे जो है आप बुक कर सकते हो बसेस वगैरह आपको जहाँ एक पर्टिकुलर आपके डेस्टिनेशन पर जाना है. तो और मैं हमेशा जो है रेड बस की ही सर्विसेज लेता हूँ. देखिए मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ रेड बस को बिकॉज मैंने रेड बस द्वारा जो है वो टिकट बुक करवाई, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ. और रेड बस का जो है वो बहुत ही आई एम रियली थैंकफुल टू देम, इसीलिए मैं आप रेड बस का जो है वो नाम इसमें ले रहा हूँ. और वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा बिकॉज रेड बस ने जो है वो मेरा काफ़ी हेल्प किया है गाइस. सो बात ये हुई है कि 6th of March को जब मैंने टिकट बुक करवाया और जब मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम गोवा टू मैंगलोर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई सिवाय एक के. देखिए जब आप लेट नाइट जर्नी करते हो तो पर्टिकुलरली एक रेस्टोरेंट्स पर जो है बस ऑपरेटर्स जो है बस रुकाते हैं बिकॉज ऑफ डिनर या रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह के लिए. तो जो नाम रेड बस के ऐप में था जिस रेस्टोरेंट का, तो उस रेस्टोरेंट पर नहीं ले जाकर जो है इस बस ऑपरेटर ने हमें एक दूसरे ही रेस्टोरेंट पर ले गया, होल्ड कराया और डिनर भी वहीं पर हमें लेना पड़ा. बट रेस्टोरेंट वॉज नॉट गुड, इट वॉज़ नॉट अप टू द मार्क, रेस्टोरेंट का सर्विसेज वगैरह भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी. बट ओके, चलिए कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कोई हो सकता है कुछ इशू हो उस रेस्टोरेंट के साथ में, बट नाम जिस रेस्टोरेंट का था उसमें हमें नहीं लेकर गया, वो एक डिसअपॉइंटमेंट था. ओके, अब हुआ ये कि 7th of March को मुझे मैंगलोर टू गोवा वापस रिटर्न आना था. अब स्टोरी शुरू होती है. जब मैंने टिकट वगैरह सब कुछ बुक कर लिया, मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया रेड बस में के द्वारा ही मैंने जो है वो बुकिंग करवाई. अब ये हुआ कि बस तो भाई चल पड़ी रात के 9 बजे फ्रॉम मैंगलोर टू गोवा. अब आते 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 कारवार में अराउंड 4:45 को जो है वो बस पहुंचती है. अब 4:45 को जब बस पहुंचती है कारवार, तो भैया ड्राइवर को पता ये चलता है कि उनका जो परमिट है वो अनटिल अपटिल जो है वो गोवा तक नहीं है, इट इज़ ओनली टिल कारवार. बस जो है वो सिर्फ कारवार तक जा सकती है. अब आप ये सोचिए कि अर्ली मॉर्निंग 4:45 को आप गहरी नींद में सो रहे हो और आपको ये पता चले बस रुकी हुई है और आपको उठना पड़े और आपको ये पता चले कि भाई आपका जो है आपकी जो बस है वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक नहीं ले जा रही है, तो सोचिए आपका क्या हाल होगा. और अगर आप फैमिली के साथ हो तो यही हुआ है कि जब हम ट्रैवल कर रहे थे सारे लोग जो है वो परेशान हो गए और मुझे तो मैं तो मतलब नींद में था तो मुझे पता चला, मतलब एक 5-10 मिनट जब बस रुकी उसके बाद में जब मैं नीचे उतरा तो ड्राइवर से बात हुई तो ड्राइवर तो सिर्फ एक ही मतलब रीज़न दे रहा था कि भाई मुझे नहीं पता है कुछ भी इसके बारे में, जो है वो ओनर से या जो मैनेजर से उनसे बात करना पड़ेगा. सो गाइस देखिए, अब बंदा एकदम ईजिली बता रहा है कि भाई उसे कोई प्रॉब्लम, उसे पता ही नहीं है, बस एक रीज़न दे रहा. तो मैंने भी सोचा इस बंदे से बात करके कुछ फ़ायदा नहीं, और उसने ये बताया हमको, सोल्यूशन दिया कि भाई हम जो है वो आपको कारवार रेलवे स्टेशन जो है वो छोड़ेंगे और कारवार रेलवे स्टेशन से आप जो है वो ट्रेन पकड़ सकते हो बिकॉज़ अभी कुछ 5:30 की एक ट्रेन थी, लोकल जो ट्रेन थी फ्रॉम कारवार टू मतलब पेंडनम के लिए. सो वो ट्रेन आपको मिल जाएगी अभी 5:30 को. तो और कोई चारा नहीं था तो उसने हमें जो है रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया. सो ट्रैवलर्स, हुआ ये कि जब हम रेलवे स्टेशन पहुँचे, हमने जो है वो टिकट ट्रेन की टिकट निकाली और उसके बाद में जब ये भी पता चला कि भाई जो मेरे डेस्टिनेशन पर मुझे जाना था वहाँ तक ये ट्रेन नहीं जा रही थी, तो मुझे मडगांव तक ही मतलब जो है वो जाना पड़ा और उसके बाद में फिर मुझे जो है दो बसेस चेंज करनी पड़ी. तो हुआ ये था कि गाइस जो मैं मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 7:30 तक जो घर पहुँचना चाहिए था वो मैं 11:30 को पहुँचाऊँ,
बराबर 11:30 ऑलमोस्ट, मतलब जो है मुझे वो 4 घंटे जो है वो लेट हो गए, प्लस एनर्जी प्लस डबल भी जो है वो मेरा पैसा भी उसमें खर्चा हुआ। सो गाइज ये सारी चीज़ें जो है वो हुई मेरे साथ में सिर्फ एक रीज़न की वजह से, कि भाई उस ड्राइवर को या बस ऑपरेटर को ये नहीं पता था कि उनका लाइसेंस जो है, उनका परमिट जो है वो ओनली गोवा तक, सॉरी ओनली कारवार तक है, जो कि गोवा का और कारवार का, कर्नाटका का बॉर्डर होता है। सो दिक्कत ये है गाइस। सो मैं आपको यही टिप देने वाला हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, कि जब भी आप अगर बस में ट्रैवल कर रहे हो गाइस, सो आप डायरेक्टली जो है वो बस ऑपरेटर या बस ड्राइवर को ये पूछ लीजिए कि भाई आपका जो लाइसेंस है वो वैलिड है या नहीं आपके डेस्टिनेशन तक। इसमें कोई बुराई नहीं है गाइस, उसको जो है आपको बताना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो स्ट्रेट अवे आप जो है वो टिकट अपना कैंसिल करवा दीजिए, और ज़रूरत पड़ने पर कंप्लेन भी करिए गाइस। बिकॉज इसमें दिक्कत ये होता है कि आपको या आपकी फैमिली को बहुत दिक्कत होता है, जैसे मुझे हुआ है गाइस। अब रेड बस का रोल इसमें आता है, जब मैं 8th of March को यहाँ पर जब मैं पहुँचा, उसके बाद में संडे था तो मैंने सोचा यार संडे को रहने दीजिए, हो सकता है ऑफिसेज वगैरह बंद होगी। मैं भी बहुत थका हुआ था, परेशान था, तो मैंने ये सोचा कि भाई मंडे को कॉल करूँगा, तो मैंने रेड बस को मंडे को कॉल किया। अब रेड बस जो है उसके स्टाफ ने मुझसे बात करी, बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही अच्छे से बात करी। मैंने उसको ये सारी चीज़ें बताई, तो उनको भी ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। जब मैंने बताया तो उन्होंने डायरेक्टली जो है वो कॉन कॉल करवाया जो मैंगलोर के जो ऑफिस में स्टाफ के साथ में, और ऑफिस के स्टाफ ने भी मुझसे बात की है। तो फिर बहुत डिस्कशन होने के बाद में उन्होंने ये कहा कि भाई, रेड बस वालों ने उनसे ये कहा कि भाई जो भी है आप रिफ़ंड कर दीजिए पैसे को। तो जो है बस ऑपरेटर्स वो भी बोले कि ओके हम रिफ़ंड कर देंगे पैसा। तो रिफ़ंड के लिए जो है उन्होंने रिक्वेस्ट डाला बस रेड बस के थ्रू। रेड बस को भी मैंने बताया कि भाई ऐसा एक दिक्कत ये भी हुआ है कि रेस्टोरेंट्स वगैरह का जो है वो भी जिस रेस्टोरेंट पर ले जाना था उस रेस्टोरेंट पर नहीं लेके गए, तो उन्होंने जो है वो मेरे जो है कंप्लेंट को लिया, रजिस्टर किया और उनसे आगे बात करी। सो ये रेड बस का बहुत ही अच्छा मतलब सर्विस मुझे लगा, कि भाई उन्होंने मेरा पैसा जो है वो भी रिटर्न करवा दिया, और यस मेरे क्रेडिट कार्ड में जो है वो पैसा जो है मैंने जो 1220 rupees जो मैंने पे किया था वो 1220 rupees मेरे अकाउंट में वापस क्रेडिट हो गया, विच इज़ वेरी गुड। सो देखिए क्या होता है कि इससे मुझे एक्सपीरियंस ये हुआ कि भाई अब मुझे जब भी मैं अगर बस में ट्रैवल करूँगा तो डायरेक्टली मैं फ़ेस टू फेस पूछूँगा बंदे को कि भाई परमिट है या नहीं है। और दूसरा ये हुआ है कि देखिए एक चीज़ ये अच्छी हो गई कि भाई रेड बस का मुझे सर्विस बहुत अच्छा लगा। सो ये प्रमोशन नहीं है गाइस, मैं वीडियो के एंड में या वीडियो के बीच में जो है आपको मैं टिकट्स वगैरह जो है मेरे वो सारे और बस का डिटेल्स जो है वो मैं देते रहूँगा आपको बीच बीच में। सो वो भी आप देख सकते हैं एज अ प्रूफ। सो मैंने ट्रैवल किया था। सो गाइस यही था मेरा जो है आज का वीडियो बनाने का मकसद, कि जब भी आप ट्रैवल करो बस से, सो गाइस पूछ लीजिएगा डायरेक्टली कि भाई आपका परमिट है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है गाइस। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ऐसा लगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प कर सकता है वाइल ट्रैवलिंग या बस वगैरह से आप जब ट्रैवल कर रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सबका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, विच इज़ रियली वेरी गुड। जब मैं उसको आंसर करता हूँ, जब वापस मुझे रिप्लाई मिलता है, सो इट्स रियली वेरी मच मोटिवेटिंग गाइस। सो गाइस थैंक यू फॉर दिस, और मैं आगे भी आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ रहा हूँ इंशाल्लाह। सो गाइस टिल देन टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग एंड बी सेफ। थैंक यू।